थाना लोधा इलाके के मथुरा बाईपास स्थित सीएनजी पंप पर बहुत ही तादाद में वाहनों की कतार देखने को मिलती है, जहां एक वाहन को नंबर लगाने में काफी वक्त लग जाता है, जिसके चलते वहां सामने आया है कि ऑटो चालक एक यूनिट बनाकर दबंगई दिखाते हुए ऑटो में सीएनजी रिफिल कराते हैं। इस बात की जानकारी उस वक्त हुई जब पनेठी क्षेत्र के गांव अधोना निवासी साजिद ने बताया कि उसके साथ ऑटो चालक ने एक राय होकर मारपीट कर दी। साजिद का कहना है कि उन लोगों ने जानबूझकर उसकी कार में टक्कर मारी और फिर एक एक करके झगड़ा करने लगे, अभद्रता करते हुए मारपीट कर डाली, जिसकी सूचना पीड़ित ने पुलिस कंट्रोल रूम पर दे दी तो मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। हालांकि मारपीट की घटना को अंजाम देकर ऑटो चालक मौके से फरार हो गया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने जांच कर आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई कर आश्वासन दिया है। बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इस तरह दबंगई करने का हक ऑटो चालक को किसने दे दिया? साजिब 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 पिताजी का सुभान अली। कहाँ के निवासी हो? ये पनेटी के पास गांव अधोन है। अधोन, क्या घटना हुई आपके साथ में? जैसा मैं गाड़ी आगे बढ़ा रहा था, मेरी गाड़ी में ऑटो मार दिया आकर के। मैं बोला मैंने तुझे दिख नहीं रहा है, ऑटो मार रहा है, क्यों मार रहा है, गाड़ी नहीं है। और गाड़ी में आते ही मैं बोला, इतने में मुझे गाली बकी, हाथापाई हम दोनों में हुई। फिर वो लोग आगे चार पांच जने, चारों पांचों जनों ने मिल करके मुझे काफी मारा है। ये चारों पांचों लोग क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं, ऑटो वाले। हाँ, दबंगई कर रहे थे। दबंगई, फुल के दबंगई कर। आप यहाँ क्या कराने आए? मैं सीएनजी भरवाने आया हूँ साहब। पंप कौन सी पंप है ये? ये एचपी का पंप है, नाम तो मेरे को मालूम नहीं इसका, क्या नाम से है। एचपी के नाम से है ये, मथुरा रोड पर।